अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन की रेसिपी चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में जमजम पुलाव। तो आइए देखते हैं कैसा बनता है हमारा जमजम पुलाव, इजी तरीके से और लाजवाब खाने में टेस्टी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, जमजम पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली हूँ, यह है 600 ग्राम चिकन, जिसे मैंने मोटा मोटा पीस करने लगाई हूँ ऐसा बड़ा बड़ा। उसी के साथ में 300 ग्राम है बकरे का मटन, और उसी के साथ में थोड़ी कलीजी, और उसी के साथ में बोनलेस चिकन है, ये भी 300 ग्राम है, जिसको मैं हमको इसके कबाब बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, ठीक है। उसी के साथ में लगने वाला है हमें 4 अंडे, 2 मैंने मैगी क्यूब्स ली हूँ, इसका टेस्ट अमेजिंग हो जाएगा ये डालने से। और उसी के साथ में 1 या 2 लींबू और हमें लग सकते हैं। इसी के साथ में मैंने ली हूँ 3 बड़ी साइज़ की ओनियन है, जिसकी स्लाइस में मैंने कटिंग की हूँ। यहाँ पे गरम मसाले मैंने ले ली हूँ 3 तेज़पत्ते, चक्री फूल, 8-10 हरी इलायची, जावित्री, जायफल, और वहाँ से अल्लाह भला करे आप लोगों का दालचीनी, लौंग और काली मिरी। तो लौंग भी मैंने 8-10 ली हूँ, और काली मिरी जो है वो 15 से 20 है, और ये अक्खा लहसुन है, थोड़ा अदरक का टुकड़ा है, 5-6 हरी मिर्च है। इसी के साथ में मैंने ले ली हूँ धनिया, 2 टीस्पून धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, यहाँ पे दही का पैकेट, दही भी हमें लगेगा। और मैंने इस तरीके से आलू छील के धो के इसे मैंने अपने एक भगोने में रख ली हूँ अच्छी तरीके से, देखिए। इसी के साथ में मैंने ली हूँ 10 से 15 हरी मिर्चें, जिसे मैंने क्रश कर ली हूँ, सिर्फ हरी मिर्च। उसी के साथ में ली हूँ नमक, यहाँ पे यह है हमारा गरम मसाला पाउडर, और इसी के साथ में हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है ये बना हुआ, अभी फ्रेश मैंने बनाई हूँ। तो दोस्तों, ये इतना सारा सामान हमें जमजम पुलाव के लिए लगने वाला है, तो मैं कौन सी चीज़ किस वक्त डालूंगी और कौन सी चीज़ किस में जाएंगी ये मैं आपको सब बताऊंगी, उसके बाद में आप ज़रा ध्यान से देखना, और फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा जमजम पुलाव। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे धनिया और ज़ीरा अच्छी तरीके से भून के ले लूँगी, थोड़ा इसकी अच्छी खुशबू आने तक के हम लोग भून लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा जावित्री भी डाल दूँगी इसमें इस तरीके से, थोड़ा सा जायफल की टुकड़ी, इसे भी हम लोग इसी के साथ में भून लेंगे। तो देखिए, इसके अंदर से अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, माशाल्लाह। ये हमारा जो मसाला है भुने गया, हम इसको यहाँ पे फ्लेम में ऑफ करती हूँ। और अभी हम लोगों को करना है क्या, हमको बनाना है इसका खीमा, इसका हम लोग खीमा बना के ले लेंगे। इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर चिकन के ही कबाब बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे, इसलिए हमने चिकन ही लिया है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे ले ली हूँ चिकन, उसके साथ में जाएंगे लहसुन, 1 गाँठा लहसुन का है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 4 से 5 हरी मिर्ची है, ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और इसी के साथ में हमने जो धनिया ज़ीरा जो भुना था वो हम लोग आधा ऐड करेंगे इसमें, देखिए इतना आधा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसी के साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा नमक, नमक भी हम लोग स्वाद अनुसार डालेंगे, आपको जैसा सही आप टेस्ट करते हो खाते हो उस तरीके से ऐड कीजिए। अब हम इसको ले लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हरी कोथमीर, यहाँ पे डाल देंगे हरा धनिया, आप इस टाइम में इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस के ले लेती हूँ। तो दोस्तों, एक गुजारिश है मेरी, आपने मेरी इस रेसिपी को 10K व्यूज़ ला देना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा खीमा अच्छी तरीके से बन गया है, मसाले भी अच्छी तरीके से पीसे गए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे हमारा बकरे का मटन, हमें पहले इसे गला के लेना है, ठीक है। इसी के साथ में मैं डाल दूंगी यहाँ पे अदरक लहसुन का 1 टीस्पून भर के पेस्ट, और यहाँ पे जाएगा उसी के साथ में स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा मैं पानी डाल दूंगी इसमें, ताकि हमारा मटन अच्छी तरीके से गल जाए और उसमें अदरक लहसुन का टेस्ट भी आ जाए। तो चलिए, मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दी हूँ, अब यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के मैं इसको ले लूँगी 5-4 सीटी फुल गैस पे। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे कुछ सूखे मसाले, देखिए चने का आटा है ये,
बेसन ये मैंने डाल दी हूँ इसके अंदर 2 टीस्पून भर के, ताकि बाइंडिंग हमारी अच्छे से हो। और इसी के साथ में डाल दूँगी मैं थोड़ा गरम मसाला पाउडर, और इसी के साथ में जाएगा एक अंडा, और इसी के साथ में जाएगा एक अंडा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे तो हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। आप नमक अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देना, जितना अच्छी तरीके से इसके अंदर ये करेंगे सब हमारा अंडा बेसन खीमे में हमारे अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा तो ये बैटर तैयार हो गया है कोफ्तों का। अब हम थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लेंगे और छोटे छोटे कोफ्ते हम लोग बना लेंगे इस तरीके से। आपको चाहिए तो आप गोल बना सकते हो, मैं थोड़े से लंबे में बनाऊंगी कबाब टाइप। अब मैं ऐसे एक एक करके सारे को कबाब बना के ले लूँगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये जो धनिया और हमारा ज़ीरा और जावित्री और ये था जो जायफल, इसका मैं पाउडर बना लूँगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अंडे बॉईल करके ले लूँगी। तो दोस्तों आलू फ्राई करना है, इसके पहले मैं इसके अंदर थोड़े होल कर दूँगी ताकि अंदर तक के हमारे आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ठीक है, सब आलू मैं ऐसे ही होल कर दूँगी मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आलू फ्राई के लिए ले ली हूँ अपनी कढ़ाई, इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। हमें करना है आलू भी फ्राई करेंगे इसी में, और जो हमने बनाए हैं कबाब कोफ्ते जो भी उसे कह दो उसे भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है, आप आपके हिसाब से ऑयल लीजिए। तो दोस्तों मैंने ऐसे मेरे वीडियो में काफ़ी वीडियो में ऐसा देखी हूँ कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं पूरी 99% लोग, और सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, आप लोगों का तो कुछ भी नहीं लगता है। हम लोग जो मेहनत करते हैं उसके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगते हैं और कुछ नहीं। तो चलो अभी हम यहाँ पे धीरे धीरे हमारे आलू इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये काम संभल के करना प्लीज़, अपना ध्यान रख के। अच्छी तरीके से इसको हम लोग थोड़ा गोल्डन होने देंगे। गोल्डन पोटैटो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ये जब तक गोल्डन हो रहे हम हमारा बकरे का मटन देख लेते हैं कि वो गला है कि नहीं, टेंडर हुआ है कि नहीं। तो मैंने इसका गैस तो बंद कर दी थी दोस्तों 5 सीटी में। देखिए कितना प्यारा हमारा गोश्त गल गया, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। देखिए बस इसी तरीके से हमें हमारा गोश्त चाहिए था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारे आलू फ्राई हो गए, गोल्डन फ्राई। ठीक है, अभी मैं कबाब इसके अंदर तल लेती हूँ। जो हमारे कबाब है 2 डाल दी थी मैंने, ये भी मैं सारे ऐड कर दूँगी। लेकिन कबाब जो है हमें एकदम धीमी आंच पे तलना है, क्योंकि ये गोश्त जो है कच्चा है, चिकन हमारा कच्चा है, इसे पकना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको धीमी आँच पर पकने देंगे। ठीक है, इसे भी गोल्डन करना है हमें, हल्का गोल्डन, ज़्यादा नहीं, नहीं तो हमारे कबाब जले हुए दिखेंगे काले काले। देखिए मैं सारे कबाब मेरे कढ़ाई में बैठ गए। अगर आपका पैन या कढ़ाई छोटी है तो आप 2 पार्ट्स में कर लेना। तो दोस्तों इस टाइम में इसको मैं टर्न करूँगी। अगर आपके कबाब खुल रहे हैं छूट जा रहे हैं तो इस तरीके से आप चम्मच मत चलाना इसके अंदर। ये देखिए मेरे कबाब नहीं खुले, तो आप क्या करना ऐसे कढ़ाई पकड़ के इसको खाली ऐसे ऐसे घुमा देना। ठीक है, अभी इसको धीमी आंच पे हम लोग पकने देंगे जब तक हम हमारे पुलाव की तैयारी कर लेते हैं बनाने की। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऑयल ले लेंगे हमारे पुलाव के लिए। मैं 1 किलो पुलाव बना रही हूँ उसके हिसाब से ऑयल ले रही हूँ। ये देखिए मैंने कम से कम ये 250 ml ऑयल ले ली हूँ, 1/4 किलो 1 किलो चावल के लिए। आपके यहाँ कम ज़्यादा खाते वो आप लोग आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो,
कोई भी ऐसा ये नहीं है कि ज़रूरी है इतना ही डालना, ठीक है। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले इसके साथ में जाएगा हमारा। पहले सब में पहले मैं ऐड करूँगी इसमें ज़ीरा, एक टीस्पून ज़ीरा डाल दी हूँ मैंने। अब इसी के साथ में ऐड करूँगी मैं हमारा खड़े मसाले, तेज़पत्ता, देखिए ये हमने डाल दी हैं तेज़पत्ता, अब इसी के साथ में ऐड करूँगी मैं हमारा ओनियन। रफली चॉप की हूँ मैंने ओनियन, ज़्यादा पतला नहीं की हूँ। तो दोस्तों इस टाइम पे डाल देंगे हम लोग हमारे खड़े मसाले। अगर आपके यहाँ खड़े मसाले पसंद नहीं करते तो आप इसको पुटली बांध के भी डाल सकते हो, मलमल के कपड़े में पुटली बांध लो, जब हमारे चावल को जोश आ जाएगा, पानी को बॉईल आ जाएगा, उस वक्त आप वो पुटली उसके अंदर छोड़ देना। तो दोस्तों हमारा ओनियन अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है, तो मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी चिकन और कलेजी साथ ही में। इसको अच्छी तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे, चिकन भी थोड़ा हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब इसी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे हमारा जो बकरे का गोश्त था जो हमने कुकर में इसको गलाया था, वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है, साथ ही में। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए एक टीस्पून, ये दो टीस्पून, तीन, चार, चार टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी एक किलो चावल के लिए, ठीक है। अब इसे अच्छी तरीके से थोड़ा मैं चलाती हुई बना लेती हूँ। हमारे मसाले अच्छी तरीके से पकना चाहिए गोश्त में, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे जो मैंने क्रश करी हुई मिर्ची रखी हूँ, तीखा आप आपके हिसाब से डालिए, ये एक टीस्पून, ये बहुत तीखी मिर्ची है, दो टीस्पून, तीन, मैं पूरी डाल दे रही हूँ, कम से कम ये 15 से 20 हरी मिर्ची थी तीखी वाली जिसे मैंने मिक्सर में दर दरा पीस ली थी। अब इसे मैं अच्छी तरीके से ये कर लेती हूँ, मिक्स करती हूँ और इसे इसके साथ पकने देती हूँ, ठीक है। अभी अच्छी तरीके से पकेगा फिर इसमें बाकी के मसाले और ऐड कर देंगे। हाँ हम लोग यहाँ पे मैं हरी मिर्ची भी ऐड कर दूँगी, ये फीकी वाली हरी मिर्ची है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है मसाले से, ये देखिए मैं यहाँ पे जो हमने धनिया, अजीरा, जावित्री पिसा था उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको मैं चला लूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारा गरम मसाला पाउडर, ये देखिए गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर दूँगी एक टीस्पून और इसको थोड़ा अच्छी तरीके से और पकने दूंगी, जब तक कि जो मैंने मैगी क्यूब्स ली थी ना इसको पानी में भिगा देती हूँ, पानी डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए मैगी क्यूब्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी में, ठीक है, ये पाउडर हमारा पूरा इसके अंदर से घुल जाएगा, मैंने दो पैकेट में यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइम में मैं इसमें दही भी ऐड कर दूँगी, कम से कम दही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 200 ग्राम। थोड़ा पानी डाल देना अगर आपका मसाला गर्म है तो थोड़ा पानी डाल के, इसका पानी पूरा सूखे तक इसका तेल सेपरेट नहीं होता तब तक हम लोग इसको पकाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारे कबाब अच्छी तरीके से हो चुके हैं, बस इसी तरीके से गोल्डन कलर चाहिए था मुझे, तो मैं अपने सारे कबाब इसमें से निकाल लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा दही का पानी भी सूख गया है और तेल सेपरेट हो गया है, तो इसके अंदर से मैं जो आधे कबाब थे हमारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये देखिए, बाकी के मैं ऊपर सजाने के लिए रख दूँगी थोड़े से, और इसके अंदर आलू भी मैं ऐड कर दूँगी, थोड़े से आलू भी मैं बचा लूँगी। अच्छी तरीके से इसको चलाते हुए बनाएंगे। ये कबाब डालने के बाद में आप संभल के हलाना, नहीं तो हमारे कबाब टूट जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको 2 से 3 मिनट फुल गैस पे तलूँगी, इस तरीके से भून लूँगी आलू, गोश्त, चिकन, कबाब हमारे,
एक जान हो जाए, सब में हमारा मसाले का टेस्ट चला जाए। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना दोस्तों, माशाल्लाह पूरा मेरा घर महक रहा है इस खुशबू से। गज़ब की डिशेज है ये, थोड़ी सी मेहनत है ज़्यादा, लेकिन आप ज़रूर बनाइए। अब मैं इसके अंदर जितना मैंने चावल ली हूँ उसके हिसाब से पानी डालूँगी। इस टाइम में मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी, जो हमने जिसमें कबाब और पोटैटो हमारे आलू तले हैं वो टेस्ट के लिए, इसके अंदर थोड़ा हम और ऑयल डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है ये ऑयल में। ओहो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबूएं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो मैगी क्यूब्स डाली थी भीगने इसमें पानी में, ये मैं पानी इसके अंदर अभी ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ में मैंने इसके लिए एक किलो चावल ली हूँ, चार गिलास, तो मैं इसके अंदर डालूँगी, सात गिलास में पानी डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है। और जो चावल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है स्टीम कोलम, जिसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी हो जाए तो वो चिपचिपे नहीं होते हैं। अगर आपने मेरे चावल नहीं देखे तो मैं चावल भी बता दूँ आपको, देखिए स्टीम कोलम है ये। अभी इसको मैं सात गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि एक गिलास पानी तो इसके अंदर है ही। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नमक ऐड कर देंगे अपने स्वाद के अनुसार। देखिए हमारे कबाब में भी नमक है, गोश्त में भी नमक है, तो हम लोग हमारा नमक देख के ही डालेंगे, ठीक है। इस टाइम पे मैंने ये डेढ़ चम्मच नमक ऐड की हूँ इसके अंदर, और इसको जैसे ही जोश आता है हमारे पानी को ऐसा खौल जाएगा, हम नमक चेक कर लेंगे, ठीक है। जब तक के मैं इसको ढक देती हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पानी को अच्छी तरीके से जोश आ गया है, देखो। अब मैं इसके अंदर हमारे चावल मैंने अभी धो के ली हूँ, इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चावल भी ऐड कर दिए, और हल्के से इसको हिला लेंगे हम। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे नमक चेक कर लूँगी हमारे चावल का। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा ऐड करूँगी नमक। और ये नमक ऐड करने के बाद में देखिए आधा चम्मच मैंने नमक और डाल दी हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोथमीर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस वक्त हम लोग एक नींबू का रस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं मिलती हूँ आपसे 12 से 15 मिनट के बाद, क्योंकि 12 से 15 मिनट के बाद में हमारा ये पुलाव जो है बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पुलाव बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यहाँ मैंने गैस बंद कर दी हूँ। वाव पूरा घर मेरा महक रहा है, देखिए कितना अच्छा हमारा पुलाव बना है, एकदम खिला खिला, ठीक है। अब मैं इसको हल्का सा थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ यहीं पर, और फिर आपको बताती हूँ ये करके। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑरेंज कलर ले ली हूँ, थोड़ा सा डाल देंगे हम लोग ऑरेंज कलर हल्का सा, उसी के साथ में थोड़ा ग्रीन कलर भी ऐड कर दूँगी मैं, और इसी के साथ में जाएगा हमारा थोड़ा हरा धनिया। ये देखिए अंडे ली हूँ, जो बचे हुए आलू और जो कबाब थे हमारे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी, यहाँ पर आलू के पीसेस रख दूँगी, ये देखिए थोड़े से कबाब, अब इसी के साथ में रख दूंगी मैं यहाँ पे अंडे। मैं आपको अब बताती हूँ डिश आउट करके कि हमारा पुलाव कैसा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जमजम पुलाव बनके रेडी हो चुका है, कितना शानदार दिखने में लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट खाने में है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इस साल में सबको अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहतमंद रखे, और हर चीज़ों से नवाजे, इज्जत दौलत शोहरत सेहत और सबको खुशियाँ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।